am your Kaushiba. So guys, kaise ho aap sab? So guys, in today's video, I am going to review about these products. So these products from the brand NY Bay, and I am giving a small review and demo from these products. So let's get started. यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई वाला करंट फेवरेट. डॉट डॉट करके मैंने अप्लाई कर लिया, देन जेंटली मसाज. एंड ये बहुत अच्छे वाला मॉइस्चराइजर है, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है. देन मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की चॉकलेट लिप बाम यूज कर रही हूँ. एंड अब मैं यहाँ पे एनवाई बे का स्किन न्यूट्रलाइजर यूज कर रही हूँ. देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको डैब डैब करके एब्सॉर्ब कर रही हूँ. तो अब मैं यहाँ पे एनवाई बे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है तो रिव्यू देना तो बनता है. सो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, लाइट वेटेड है और हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर देता है और स्किन को स्मूथ कर देता है. एंड ये परफेक्ट बेस है हमारी फ्लॉलेस लुक के लिए. सो अब मैं यहाँ पे एनवाई बे का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन करेक्टर. सो रेड एंड ग्रीन कलर करेक्टर इसलिए यूज़ होता है हमारे एक्ने के दाग को छुपाने के लिए, उसकी रेडनेस को छुपाने के लिए. बट मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है. एंड ये बहुत स्मूथ है, इजी टू ब्लेंड है. अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं यहाँ पे एनवाई बे का रनवे फाउंडेशन कंसीलर कंटूर कलर करेक्टरिस्टिक यूज कर रही हूँ इन शेड नंबर 1 एंड शेड नंबर 8. सो शेड नंबर 1 मैं एज अ फाउंडेशन यूज करूंगी या हाइलाइटर भी बोल सकते हैं. एंड शेड नंबर 8 मैं यूज करूंगी कंटूरिंग के लिए. और ये इतनी सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा लाइक अ बटर. इट्स टू सॉफ्ट एंड ब्लेंड्स इजीली. इसमें भी आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है. सो आप इसके इंग्रेडिएंट्स इजीली रीड कर सकते हो. क्रीजलेस है, अच्छे से स्मज हो जाता है, नेचुरल कवरेज देता है. हाँ, अच्छे से मेरे एक्ने की स्पॉट्स को नहीं छुपाता बट कवरेज अच्छी दे देता है, नेचुरल लगती है, बिल्कुल नेचुरल. सो कंटूरिंग के लिए मैं शेड नंबर 8 यूज कर रही हूँ. देन अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी. आप इन 6 को एज अ हाइलाइटिंग भी यूज कर सकते हैं. ये थोड़ा लाइट शेड आ गया मेरा 8 शेड नंबर, ये थोड़ा डार्क लेना था एज अ कॉन्टोरिंग के लिए. सो अब सोरेमा लंदन का मैं कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ फाउंडेशन को सेट करने के लिए या कॉन्टोर स्टिक को सेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्रश. सो अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का काजल यूज कर रही हूँ. सो ये रेगुलर के लिए बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर इसी को यूज कर रही हूँ. एंड जो इसके छोटू सा ब्रश दिया हुआ है उससे इजीली अप्लाई हो जाता है काजल. सो अब मैं यहाँ पे एनवाई बे का मेकअप फिक्स से यूज कर रही हूँ. बट मेरा यूज करने का तरीका अलग है. पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर लेती हूँ, देन डैप डैप करके अप्लाई कर लेती हूँ. बिकॉज अगर मैं सीधा अप्लाई करती हूँ तो मेरे जो फेस पे एक्ने हैं
उस पर थोड़ी सी जलन महसूस होती है, सो इसलिए मैं वैसे अप्लाई नहीं करती एंड इसमें से अल्कोहल की स्मेल आती है बट वो 10 सेकंड्स के बाद चली जाती है। सो अब मैं यहाँ पे NYB का लिप क्रियॉन यूज़ कर रही हूँ शेड नंबर 5। मुझे थोड़ी सी डार्क लग रही थी, देन टिश्यू की हेल्प से थोड़ी सी मैंने रिमूव की है। दैट्स इट। सो गाइस यही था मेरी आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही आपको बेल आइकन दे रखा होगा उसको प्रेस कर देना, वो इसलिए अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उस नोटिफिकेशन आ जाए। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।